नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज आपके सामने फिर मैं हाजिर हुआ हूं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमसे कुछ सवाल किए, तो उसका मैं जवाब देना चाहूंगा और थोड़ा सा कुछ बातों का जो है जिक्र करेंगे हम। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, अब ये तो सबको पता चल चुका है कि सर्दियों में जो है सांप काफी मात्रा में जो कम बाहर आते हैं, और जो बाहर आ भी जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसी जगह पर छुपने की जहां पर उनको थोड़ी सी गर्मी मिले। तो होता ये कि गर्मी की तलाश में सांप जो है इंसानों के बस्ती में, इंसानों के घरों के आसपास, घरों के अंदर भी दाखिल हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पार्किंग में कोई जगह होती है या इंसानों के घरों के पास कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे कोई सामान पड़ा है जो काफी दिनों से उन्होंने हिलाया नहीं उसको, तो वो वहां जाकर वो सांप जो है छुप जाता है गर्मी की तलाश में, क्योंकि सांप जो है ठंडे खून के प्राणी है जैसे कि सबको पता है, और जरूरत से ज्यादा सर्दी भी वो सहन नहीं कर सकते, जरूरत से ज्यादा गर्मी भी सहन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होना है, लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है सर्दियों के वक्त। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तो जब आप गाड़ी बाहर निकालते हो तो एक बार थोड़ा सा गाड़ी के आसपास, गाड़ी के अंदर थोड़ा सा झांक लें, थोड़ा सा देख लें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने काफी बार जो है सांपों को जो है टू व्हीलर फोर व्हीलर के अंदर से रेस्क्यू किया है काफी बार, क्योंकि गर्मी की तलाश में वो गर्मी लेने के लिए थोड़ा सा गाड़ी के अंदर दाखिल हो जाता है, ऐसा होता है। तो जब आप बाहर निकलोगे तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, आसपास अपने गाड़ियों के आसपास एक नजर मारनी है, एक नजर रखनी है। और जैसे कि अगर आपके घर के पास में आपके अगर आपने जूतों का स्टैंड रखा है और काफी मात्रा में आपके वहां पे जूते चप्पलें पड़ी है, तो जब आप सुबह जब निकलते हो तो एक बार जो है जूते को अच्छी तरह चेक कर लो, थोड़ा सा उसको झाड़ लो एक आध बार। कभी कभी क्या होता है, कोई सांप या उसका बच्चा जो है गर्मी की वजह से जगह ढूंढकर उस शूज के अंदर भी चले जाता है, बहुत बार ऐसा हुआ है। और तो थोड़ा सा हम जितना हो सके हमको सतर्क रहना है, अपनी तरफ से हमें जो है सावधान रहना है, क्योंकि आपने देखा है कि हर सर्प मित्र जब कोई भी सांप को रेस्क्यू करता है तो हर बार सांप अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग जो है एक सिचुएशन में जो है मिलता है, रेस्क्यू किया जाता है। क्योंकि सांप जब अपने बचाव के लिए या भूख के लिए या गर्मी के लिए किस हद तक जाएगा ये कोई बता नहीं सकता। तो थोड़ा सा हमको चौकन्ना रहना है। और हमारे कुछ जो दोस्त हैं उन्होंने हमसे सवाल किया था कि सांप अगर काट ले तो हमारे पास कितना वक्त होता है। तो हमने कई बार सर मित्र ने हमने भी कई बार बताया कि देखिए इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, हम लोग एग्जैक्ट बता नहीं सकते कितना वक्त होता है। लेकिन अमूमन तौर पर आप देखो, अगर कोबरा सांप होगा, जब वो डसता है तो उस वक्त उसकी जो वेनम की क्वांटिटी होती है उसमें फर्क होता है। जब वो प्रॉपर पकड़ के ऐसा दबाव बनाकर काटता है उस वक्त जो वेनम वो थोड़ा सा ज्यादा छोड़ता है। और एक आपको थोड़ा सा एक अंदाजे के हिसाब से मैं बताता हूं, जैसे मान लो अभी कोबरा सांप, तो कोबरा सांप जो है इसकी जो वेनम की क्वांटिटी होती है रसल वाइपर से कम होती है, हालांकि इसका वेनम भी काफी खतरनाक होता है। लेकिन जब आपको कोबरा सांप काटता है तो हमारे पास, अगर आप हिम्मत रखते हो, डरते नहीं, थोड़ा सा मन को संभालते हो, तो कम से कम ढाई घंटे, दो से ढाई घंटे आपको कुछ भी नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि तीन तीन घंटे के बाद लोगों को काफी तकलीफ हुई है, लेकिन कम से कम दो से ढाई घंटे तक आपको कुछ नहीं होगा। आपको हॉस्पिटल के अंदर उस पीरियड के अंदर जाकर एडमिट होकर एंटीवेनम आपको लेना है, तभी आपकी जान बचेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओझा घोनी और तांत्रिक फकीर, इन लोगों के पास आपको जाना नहीं है, क्योंकि अभी भी गांव में बहुत सारे मुझे फोन आते हैं, खासकर राजस्थान, बिहार और हरियाणा के कुछ इलाकों में से, कि जहां पे जब किसी को स्नेक बाइट होती है तो कोई पुराने मंदिर में ले जाते, किसी बाबा के पास ले जाते, तो आप अपना वक्त जो है वो जाया कर रहे हो, वक्त अपना जो है गंवा रहे हो। तो आपको वक्त को जो है संभालना है, वक्त पे जो है हॉस्पिटल जाना है आपको, तब आपकी जान बचेगी। दूसरा इसका कोई इलाज नहीं है, कोई जड़ी बूटी, कोई तंत्र मंत्र, कोई क्रीम, कोई मलम, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जब कोबरा सांप जब किसी को काटता है तो
तो इसकी जो वेनम की जो क्वांटिटी होती है ये 5 से 7 मिलीग्राम के बीच में जो है, 5 से 7 मिलीग्राम, ये ध्यान में रखना है आपको। कभी कभी थोड़ा सा कम भी कर देता है वो, एक आध बार 3 या 4 मिलीग्राम भी इंजेक्ट करता है, लेकिन 5 से 7 मिलीग्राम मतलब 7 मिलीग्राम के अंदर ये वेनम को जो है रिलीज करता है, 7 मिलीग्राम तक। हालांकि इसकी कैपेसिटी इतनी है कि यह चाहे तो अगर आपको 10 से 15 मिनट के अंदर मौत की नींद सुला सकता है कोबरा सांप। इसके वेनम ग्लैंड्स के अंदर इतना वेनम स्टोर होता है, कम से कम 10 से 12 ml इसकी कैपेसिटी होती है इसके ग्लैंड्स में, दोनों में, जो पूरा तैयार कोबरा होता है बड़ा। लेकिन सांप जब काटता है तो वो उतना ही वेनम छोड़ता है, क्योंकि वो बचाव के लिए डर की वजह से आपको काटता है, तो उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि आपके पास 2 से 2.5 घंटे का वक्त होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रसल वाइपर का क्या होता है, इसके जो फैंग्स काफी बड़े होते हैं, फैंग्स बड़े होने की वजह से वेनम की जो मात्रा है उसके फैंग्स में जो ज्यादा होती है, जितना ज्यादा वो चिढ़ता है उतना वेनम को ज्यादा रिलीज करता है, काफी स्पीड काफी मात्रा में, और उसके दांत काफी बड़े होते हैं। मैंने हर बार आपको बताया, आपको बहुत बड़े, अगर आप सेंटीमीटर के हिसाब से बोलो तो 3 से 3.5 सेंटीमीटर जो उसके फैंग्स होते हैं, इतने बड़े उसके फैंग्स होते हैं, पूरे उसने फोल्ड किए होते हैं अपने अंदर दबाकर, अगर आप पूरे जड़ से लेकर आखिरी तक जब देखोगे तो इतने बड़े फैंग्स इसके होते हैं। और यह जब किसी को काटता है गुस्से में, जब यह किसी को बाइट लेता है, तो उस वक्त यह जो वेनम को जो छोड़ता है तो कम से कम यह 5 से 12 मिलीग्राम तक जो है वेनम को इंजेक्ट कर देता है। इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, हेमोटॉक्सिक वेनम होता है जिससे कि ब्लड को क्लॉट करता है और खून जो आपका धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, हाथ में काफी सूजन आती है, गैंग्रीन होती है और हाथ जो है काला और नीला पड़ने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे गुजर जाते हैं, हाथ बहुत ज्यादा फूल जाता है आपका और हाथ जो है आपका गैंग्रीन हो जाता है आपके हाथ में, और इतनी तेज दर्द और जलन होती है कि यह बर्दाश्त के बाहर होता है। इंसान उस वक्त यह सोचता है कि कोई मेरा हाथ काट दे तो यह मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन यह दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमने काफी इसका जायजा लिया हुआ है, बहुत बार हम लोग हॉस्पिटल में गए हैं और ऐसे केसेस में हमने सामने वाले से पूछा है तो उसने हमको सब बताया है और हम लोगों ने उनकी हालत भी देखी है। इसकी वजह से काफी घातक होता है। और तीसरा जो है हमारा जो है क्रेट, जिसको हम लोग महाराष्ट्र में मनियार के नाम से जानते हैं, इसकी जो क्वांटिटी होती है काफी कम होती है, लेकिन इसका जो वेनम होता है यह बहुत ज्यादा असरदार होता है। यानी अगर आप उसकी एक बूंद को अगर गिराओ और उस बूंद के आप 6 हिस्से करो, और 6 हिस्से करके जो एक हिस्सा अगर आपके शरीर में भी चले गया तो 2 से 2.5 घंटे के बीच में मौत की नींद सुला सकता है। इसकी जो मैंने आपको लक्षण बताया, रात के टाइम भी एक्टिव होता है मनियार सांप, क्रेट जिसको हम करत के नाम से जानते हैं, पूरा काला कलर का होता है, व्हाइट कलर के पूरे शरीर पे इसके लाइनिंग्स बने होते हैं, रात के टाइम भी एक्टिव होता है, रात के टाइम काफी गड़बड़ करता है, और जब इसको कोई पकड़ लेता है तो यह जब काटता है तो इसका पता नहीं चलता, काटते वक्त आपको ना दिखाई देता, ना जलन, ना सूजन, ना दर्द होती है, हल्का सा एक खराश होती है आपको, मच्छर या खटमल या कोई कीड़ा काटा इस तरह से खराश होती है। और उस वक्त गर्मा गर्मी में आपको अगर छोटे से अगर कुछ ऐसे दाग दिखाई दिए तो दिए, ना तो वो भी नहीं दिखाई देते। इसका असर होता है 1 घंटे से, कभी किसी को 1.5 घंटे के बाद, किसी को 2 घंटे के बाद, किसी को 1.25 घंटे के बाद, 1.25 घंटे में असर होता है। डिपेंड करता है इंसान का शरीर कैसा है, इंसान की जो तबीयत कैसी है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, उसको डायबिटीज तो नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, तो ये सब चीजें पर डिपेंड करता है। और यह सांप ऐसा है अमूमन जो है रात को काटता है, और रात को काटने से क्या होता है, हम लोग हमारे पास जो क्या होता है, हम लोग समय को वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब हमको तकलीफ होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तकलीफ होने का थोड़ा सहन करते हैं कि भाई पेट में दर्द हो रहा है, फिर से घबराहट हो रही है, थोड़ा सा सर चकरा रहा है, तो हमको लगता है शायद कुछ गलत वलत कुछ खा लिया, एसिडिटी या गैस का तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करते करते समय हम लोग जो है गंवाते जाते हैं, और जैसे तकलीफ बढ़ती है शरीर में जॉइंट्स में बहुत जोरदार तरीके से दर्द होता है, आंखें भारी होने लगती है, गालें खिंचने लगती है, त्वचा टाइट होने लगती है, त्वचा जो आपकी जो है वो खिंचनी शुरू होती है, और जबान आपकी भारी होने लगती है, आंख आपकी लाल होनी शुरू होती है, उल्टी का दिल होता है, उल्टी भी हो जाती है। तब हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा होता है तो हम लोग फिर कोई लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, और रात के वक्त ज्यादातर ये रात के वक्त होता है, और उस वक्त हमको डॉक्टर मिलता नहीं, लेकिन हमारा तो फैमिली डॉक्टर कोई पहचान का होगा, हम उसके पास उसके घर पे चले जाते हैं, तो उसे भी समझ में नहीं आता कि पता नहीं इसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक आध बार कोई पेन किलर आपको दे देता है या आपको सजेस्ट करता है कि कोई बड़े हॉस्पिटल में जाओ, तो उस वक्त आपको ये नहीं पता चलता क्या करना है। और जब आप घूम फिर के जब हॉस्पिटल पहुंचते हो तो आपका नसीब कि बच जाता है पेशेंट,
वरना ज्यादातर जो है करंट के काटने से लगभग जो है मौत हो जाती है, क्योंकि समय की वजह से। अगर आप समय पर जाते हो, आपको ऐसा थोड़ा सा डाउट होता है कि रात का वक्त है, मुझे कुछ ऐसा गड़बड़ लग रही है, पेट में काफी दर्द हो रहा है, कुछ घबराहट हो रही है, तो आप क्या करो, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, आपका ब्लड टेस्ट वगैरह होगा, नहीं काटा होगा तो अच्छी बात है, काटा होगा तो आपको समय पर इलाज हो जाएगा। और ये जब काटता है तो इसकी क्वांटिटी काफी कम होती है, यानी 1 मिलीग्राम से भी कम जो इंजेक्ट करता है करेक्शन, 1 मिलीग्राम से भी कम। या कभी कभी बहुत गुस्से में अगर किसी ने तंग किया और उसको बेरहमी से पकड़ा है तो 1 मिलीग्राम से 1.5 मिलीग्राम तक इंजेक्ट कर देता है। और ये इतना इंजेक्ट करने के लिए 2 से 2.5 घंटे काफी है, उसके अंदर इंसान की मौत हो जाती है अगर हॉस्पिटल आप नहीं जाते हो तो। क्योंकि ये क्या करता है, जब तकलीफ आपको शुरू होने होती है तो तकलीफ होते होते क्या होता है, ये धीरे धीरे जो है आपके शरीर को अंदर से पैरालाइज करने लगता है, आपका जो हार्ट बीट है इसको स्लो करता है, इसका काउंट धीरे धीरे कम होने लगते हैं, पल्स रेट को नीचे गिराना शुरू करता है ये हार्ट, आपका जो किडनी, आपके लंग्स, आपका लीवर, ये धीरे धीरे काम करना बंद होते हैं, इंसान जो है कोमा में चला जाता है, और कोमा में जाने के बाद लगभग जो है इंसान का जो बचना काफी मुश्किल होता है। तो आपको इस बात को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। अगर मान लो अगर किसी को कोई कोबरा सांप काटता है, अगर उसको कोई बीमारी है, उसको बीपी का प्रॉब्लम है, उसको शुगर है, इंसान दुबला पतला है, घबराता है, दिल का कमजोर है, और भी उसको अगर कुछ है, तो इस पीरियड के अंदर अगर कोई सांप अगर प्रॉपर बाइट लेता है तो 1 घंटे के अंदर भी इंसान की मौत हो सकती है, यह ध्यान में आपको रखना, 1 घंटे में भी हो सकती है, पौने घंटे में भी हो सकती है, 45 मिनट में भी हो सकती है, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि इंसान कैसा है और सांप पे किस सिचुएशन में उसको कैसे काटा, कितनी बार काटा, कितना वेनम जो है उसने रिलीज किया। तो सिर्फ आपको एक ही बात जो है ध्यान में रखनी है, जब आपको कोई सर्पदंश होता है, भले आपने वो सांप को देखा हो या ना देखा हो, आपको जब भी डाउट होता है आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है, सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, और वहां पे जाने के बाद जब अगर वो जब पता चल जाता है कि सर्पदंश हुआ है तो आपका जो है डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, आपका इलाज करेंगे, समय पर कोई दिक्कत नहीं आती। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि एक चाकन से एक ऐसा किस्सा हुआ था जहां पे एक इंसान ने शराब भी पी हुई थी और उसने रसल वाइपर को पकड़ा था, उसको 3 बाइट हुई थी, 3 बार उस सांप ने काटा था, लेकिन उसको 20 मिनट के अंदर जो है हॉस्पिटल पहुंचाकर आईसीयू में भर्ती करके डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं सल्यूट करता हूं डॉक्टर की टीम को। आज वो इंसान जो है अपने घर पर है, हाथ में थोड़ी सी दिक्कत है, तकलीफ है, लेकिन अपने ड्यूटी पर जा रहा है और 3 बार काटने के बावजूद भी वो बच गया, शराब पीने के बावजूद भी, क्योंकि समय पर उसको लेकर गए, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करके डॉक्टर ने इमीडिएट जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, बिना लापरवाही किया और बिना किसी मतलब थोड़ा भी उन्होंने सोचा नहीं, बस उन्होंने यह सोचा कि इसको फटाफट हमको किसी भी तरह बचाना है। तो डिपेंड करता है इन सब चीजों का, समय पर, सांप ने कितनी बार काटा, सामने वाला शरीर इंसान का कैसा है, उसके बाद डॉक्टर इलाज कैसे करते हैं, डॉक्टर उस ट्रीटमेंट को कितनी गंभीरता से लेते हैं, तो ये सब काफी चीजें इसमें होती है। बस इस बात को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। और एक बात फिर से मैं आपको बता देता हूं हमारी जो आम जनता से, कि जब आपको कोई सांप दिखता है तो उसके ऊपर नजर बना के रखो और उसको पकड़ने की कोशिश कतई नहीं करनी, आपको बिल्कुल भी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, भले आपको पता भी हो कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, आपको उसको पकड़ना नहीं है, क्योंकि ये काम जो सिर्फ सर्प मित्र का है और सर्प मित्र के ऊपर आपको यह काम छोड़ना है, क्योंकि सर्प मित्र को सही पता होता है कि उसको किस तरह रेस्क्यू करना है, कैसे उसको संभालना है, सिचुएशन को देखना है, ये आपको पता नहीं होता, उसकी हरकतों के बारे में आप वाकिफ नहीं हो, आपको पता नहीं है। तो एक बार मैं हाथ जोड़कर सभी से विनती करता हूं कि ये काम जो है सिर्फ सर्प मित्र का है, तो सर्प मित्र के ऊपर एक काम छोड़ दो, आप सबर करो, कोई भी सर्प मित्र को आने में थोड़ा सा कभी कभी वक्त लगता है, और आप जल्दबाजी मत करो। आप क्या करते हो, जब कॉल आता है तो आप किसी भी सर्प मित्र को कॉल करते हो और बताते हो कि ऐसा ऐसा, तो जब सर्प मित्र आपको ये बोलता है कि भाई मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, 10 मिनट में आ रहा हूं, 15 मिनट में आ रहा हूं, जब वो आ रहा हूं बोलता है तो वो जरूर आता है, ये ध्यान में रखिए, भले वो नहीं आएगा वो दूसरा कोई आएगा, लेकिन आएगा जरूर, थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि सांप अगर एक जगह पर बैठा हुआ है तो वो काफी देर तक वहां पर बैठता, वो हिलता नहीं, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, वहां पर वाइब्रेशन नहीं करोगे तो सांप वहां से हिलेगा नहीं, तो आप थोड़ा सा जो है संयम रखो, क्योंकि आने में आपको वक्त लगता है, ट्रैफिक होता है, क्या होता है इस गड़बड़ के चक्कर में कहीं ट्रैफिक में कोई हादसा ना हो जाए, तो थोड़ा सा आप इस बात पे ध्यान दीजिए। और एक बार आम जनता से एक बार फिर से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको जब सांप आपको जब पता चलता है कि एक जगह पर बैठा हुआ है, कंफर्म जब आपको कोई स्नेक कैचर को आप बुला रहे हो और वो उसको पकड़ पाएगा जब आपको पता होता है, आप तभी कॉल कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सांप को देखते हैं और वो सांप देखा होता है उन्होंने सुबह 11 बजे और हमको कॉल करते हैं 1:30 बजे 2 बजे, और कुछ किस्से तो ऐसा हुए मेरे साथ और हमारे
सर मित्रों के साथ भी ऐसा हुआ है कि सांप को देखा है दोपहर के वक्त 12:30 बजे और 4:30 बजे इसकी सूचना देते हैं यहाँ पे सांप देखा था, और जब वहां पे पहुंचते हैं और जब हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं तो उसमें से कोई एक शख्स आता है बाहर और आके बोलता है कि हाँ ये 12:30 बजे हमने यहाँ पे देखा था इसको। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि हमारा भी वक्त जाता है, हमारा भी पेट्रोल वेस्ट होता है इसमें। आपको सांप आपकी नजर के सामने है और आपको लगा वो बैठा हुआ है और ये आराम से मिल जाएगा हमको, तो आप किसी भी स्नेक कैचर को कॉल करो, मुझे कॉल करो, हम लोग मौके पे पहुंचेंगे वहां पर और वहां से उसको सही सलामत पकड़ के जंगल में छोड़ देंगे, ये हमारा काम है। बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए, मुझे आज भी एक ऐसा कॉल आया था, एक सोसाइटी है, सोसाइटी के पीछे काफी जगह है, किसी की जगह पड़ी हुई है जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ और वहां पे काफी घास वगैरह है। तो वो शख्स जो है 4th फ्लोर पर है ऊपर, और खिड़की से उसने रेड स्नेक को देखा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो बताया कि काफी लंबा और काफी बड़ा सांप है और काफी तेजी से वहां से गया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक सांप को हमने वहां पे देखा, एक दो बार हमने देखा वो घास में यहाँ पे वहां पे घूम रहा था, आप जल्दी आओ पकड़ने के लिए। तो मैंने उनको पूछा कि अभी आपके नजर के सामने है, तो बोला नजर के सामने नहीं है लेकिन हमने सुबह इसको देखा था, कल भी देखा था, परसों भी देखा था। तो सांप ऐसा मिलता नहीं है, सांप तभी मिलेगा सब एक जगह पर बैठा होगा, तभी सांप जो है हम लोग पकड़ सकते हैं और उसको दूर छोड़ सकते। बस इतना कहना था, और भी बहुत सारे कुछ हमारे जो दोस्तों के डाउट है तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसका वीडियो में जिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों का जो डाउट क्लियर हो और मन की जो उनकी शंका जो है वो दूर हो जाए, और बस यही हमारा काम है, जनता को जागरूक करना और अंधविश्वास में ना पड़े। एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई भी अंधविश्वास में ना पड़े। जब कोई हादसा होता है, गलती से कुछ सरदंश होता है किसी को, तो सीधा आपको पहले हॉस्पिटल जाना है। जब तक आप उससे दूरी बना के रखोगे कोई सांप से, वो आपके नजदीक नहीं आएगा, आपके ऊपर छलांग नहीं मारेगा, आपको बिल्कुल काटने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती उसको पकड़ोगे, उसको छेड़ोगे, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए वो काट लेता है, और काटने के बाद ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो हमको भी दुख होता है और लोगों का जो गुस्सा सांप के ऊपर बन जाता है। और जिस परिवार में ऐसा होता है तो उस परिवार के लोग या उसके आसपास के लोग क्या करते हैं, जब दोबारा कभी सांप दिखता तो उसको भेरे में से मार देते। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया कि सांप को इंसानों से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ खाने पीने की तलाश में या गर्मी लेने की तलाश में आकर छुप कर बैठ जाता है, क्योंकि उसको वो डरा होता है, उसको डर लगता है। तो आप दूरी बना के रखो, सर्प मित्र को कॉल करो, हम लोग आपकी सेवा में हाजिर है। बस इसी के साथ जो है मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी। फिर मिलेंगे हम फिर किसी जानकारी के साथ या किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, साफ सफाई रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शपथ है।